मतलब एक कथा है, इसी में हम 64 बाप होते हैं, कभी जीवन बदल सकते हैं कभी नहीं। इसी जंगल में जब रहते हैं तो दिक्कत क्या समस्या हम किसके साथ बोलेंगे, कौन दुख हमारे छर लगा, प्रॉब्लम तो बड़का ही है। जितना कि देखते हैं क्या पचपचो दूर होगा कोनो घर के जगह, इसी में हम 64 बापू सारा हम अपने हैं, एक ही माँ बाप का, ऐसी में बेटा है बाप है पुतो है बेटी है सारा आदमी, कोई वसरा पर कोई मखा पर कोई डेढ़ लेकर कोई पंजा लेकर जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इनका तो कोई नहीं हुआ ऐसे हमको आंसू कोई पोछ लगा, आंसू तो चलते रहेगा जब तक दिक्कत होगा, जब आंसू जो पोछ लेगा तभी बुझेंगे कि सर जो हमारे कैमरा लेकर के गया है घर देख कर गया है तो हमारे दुख को बदल दिया है जीवन को बदल दिया है, तभी ना हम बुझेंगे। छोटा छोटा बच्चा क्या करेगा, खेलता है पढ़ता है आसाम पढ़ता है स्कूल का नाम है, इधर में तो स्कूल में कैसे पढ़ेगा करेगा, इधर खेलता है। जे निर्बुद्धिया छै तखन कलम गुने तऽ घसते तखन धरती पर घसते छै, धरती पर घसते तखन किताब पर घसते, हाँ एतने टा होगा। 12-12 साल के बच्चा छै, 10 साल 8 साल 6 साल 4 साल सब बच्चा के पढ़बै छी। रूढ़िवाद के खिलाफ हो चले थे वे, मेरे साथ ये बुलाया जाता था कि काफी समय बिताते थे और कहा जाते थे कलम में मुझे ऐसा बनाना चाहता, पर हाथ रख खेलने लगे उनसे कहा अगर मैं। बच्चों की आवाज़ को, बच्चों के ओपिनियन को, बच्चों के जो विचार हैं उसको कंसिडर किया जाए पॉलिसीज़ में, प्रोग्राम्स में, और उसका रिप्रेजेंटेशन, बच्चों का रिप्रेजेंटेशन हो हर एक स्तर पे, चाहे वो ग्राम स्तर पे हो या ज़िला स्तर पे हो या राज्य स्तर पे, उसमें उनका एक बहुत महत्वपूर्ण है कि उनकी भागीदारी हो, उनके ओपिनियंस को कंसिडर किया जाए, उनकी बातों को पॉलिसीज़ में जगह मिले, प्रोग्राम्स में जगह मिले, ताकि जो उनके अधिकार हैं, चाहे वो क्वालिटी एजुकेशन के अधिकार हों, स्वास्थ्य के अधिकार हों या उनके प्रोटेक्शन के अधिकार हों, उसकी की प्राप्ति उनको हो सके उनके सहभागिता के साथ। मेरा नाम सुषमा कुमारी है, मैं बाल पंचायत की अध्यक्ष हूँ, मैं बाल पंचायत की अध्यक्ष बनी, उसके बाद बाल गठबंधन में भी अध्यक्ष बनी, वहाँ चुनाव हुआ तो हम स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमेटी में गए, और डिस्ट्रिक्ट कमेटी में जब चुनाव हुआ तो सहयोग बस मैं उसमें भी निकल गई और स्टेट अलायंस में गई, और वहाँ से मैं बहुत चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त की है अभी तक। मेरा नाम खुशबू कुमारी है, ग्राम सभा में मुखिया जी को बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समस्या यह है कि टिफिन होने के बाद क्लास की घंटी नहीं लगती है, हम क्लास की घंटी नहीं लगने के कारण हमारे सबके पढ़ाई में बहुत कठिनाई होती है। बच्चों की भागीदारी परियोजना जो है सो हम लोगों के बेलदौर प्रखंड में 2011 से आरम्भ किया गया, और ये परियोजना 5 पंचायत के 30 गांव में हम लोगों का कार्यक्रम ये चल रहा है। पांच पंचायत हैं बेलदौर, महिनाथ नगर, माली, पिरनगरा और बेलानगर, ये 5 पंचायत हैं। उसमें ग्राम स्तर पर, गांव स्तर पर हम लोगों का बच्चों का संगठन बना हुआ है बाल पंचायत, गांव के सभी बच्चे मिलकर उसमें से 15 बच्चों का चयन करते हैं, उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री, स्वच्छता मंत्री, ऐसे तरह सब लोगों का विभाग बना हुआ है। और उसके बाद एक पंचायत में 6 गांव हैं, 6 पंचायत में ये जो है एक बाल पंचायत से 3-3 बच्चों का चुनाव बाल पंचायत के बच्चों द्वारा किया गया है, और चुनाव के बाद पंचायत बाल गठबंधन का गठन किया गया है।
पंचायत बाल गठबंधन में ये जो है सो एक 6 गांव से 18 बच्चे और 3 बच्चे वैसे रहते हैं जो हम लोगों के परियोजना के गांव के नहीं हैं, लेकिन उसी पंचायत के बच्चे उसमें रहते हैं। इसके अलावा जिला स्तर पर हम लोगों का बाल गठबंधन बना हुआ है। जिला स्तर पर बाल गठबंधन वो 5 पंचायत में से जो बेल्लौर के हैं वो जो है सो 2-2 बच्चे का चुनाव किया गया। 10 बच्चे बेल्लौर के हैं और 5 बच्चे जो हैं सो केवीटी खगड़िया के बच्चे हैं। वो बच्चे मेरे स्कूल का यह समस्या है कि मेरे स्कूल में डेस्क बेंच नहीं है, जिसके कारण बच्चे को बैठने में दिक्कत होती है। कहीं घर से कोई बोरा चाय चट्टी लेके आते हैं तो बैठते हैं, या दरी बिछा कर बैठना पड़ता है। मेरा कहना है कि वहाँ डेस्क बेंच आना चाहिए और मेरे समस्या का समाधान होना चाहिए। किसान विकास ट्रस्ट बाल पंचायत के द्वारा ग्राम सभा में बच्चों की को जो उपस्थित किया गया, उनकी ये समस्या है। ठीक है, मैं इन समस्या बच्चों की मैं समस्या सुनी और मैं जहाँ तक होगा मैं इनकी समस्या का समाधान करूँगी। स्वाति सिंह है, मैं बाल पंचायत अखा बाल पंचायत की अध्यक्ष हूँ। केवीटी के आने से बहुत बहुत प्रोग्रेस हुआ है। हम यहाँ शुरू ऐसे करते, जैसे कि पहले था कि बड़ों की भागीदारी ये वो हर चीज़ देखना, बच्चे का कहीं नामो निशान नहीं था। केवीटी के आने से बच्चों के अधिकार को देखा गया, जाना गया। एक समस्या उभरती समस्या आया कि जैसे कि पता नहीं ये जो चलाए हैं उनका तो बहुत शुक्रिया होगा कि वो बच्चों के भविष्य को देखे और बच्चे अपने अधिकार को समझ सके। इस प्रोडक्ट के आने से जो है सभी बच्चे अपने अधिकार को समझ पाए हैं कि हमारा क्या वजूद है घर में। पहले घर में पूछा नहीं जाता था, अब हर घर में बच्चे से पूछा जाता है कि क्या खाना चाहिए, क्या कपड़ा चाहिए, पूछ के दिया जाता है। तो बच्चों का यह अधिकार मिला। स्कूल में मिड डे भोजन नहीं मिलता था, मिलता था खिचड़ी चलता था, लेकिन जब से बच्चे जागरूक हुए हैं कि हम जो कहेंगे वो होगा, तो उस दिन से मिड डे जो है एकदम अति चाट के हिसाब से मिल रहा है। मेरा नाम शिवानी सिंह है और मैं अकहा बाल पंचायत के पूर्वी टोला में बाल पंचायत की सदस्य हूँ। में पढ़ाई तो होती थी, लेकिन वहाँ ना तो बिजली की समस्या ठीक थी और ना वहाँ पे साफ़ सफाई का। वहाँ नाला में जो पानी रहता था वो ऐसे ही बहता रहता था और जो गंदगी रहती थी उसको भी साफ़ करने वाला कोई नहीं था। और बिजली का जो तार था जहाँ तहाँ लटका था और उस बिजली के तार में बहुत से बच्चे को करंट का झटका भी लग चुका है। और यह तो और भी खुशी की बात है कि बाल पंचायत में जुड़ने के बाद बच्चे इतने जागरूक हुए कि वहाँ के हेडमास्टर की लापरवाही की वजह से जो वहाँ वो सब होता था, तो सारे बच्चे ने मिलकर के हेडमास्टर को जो है उसके पद से हटवा करके, जो कि राजेंद्र साहब थे, और वर्तमान में अभी जो है भारत साहब को उनके पद पर नियुक्त किया गया है। मैं CPC का अध्यक्ष हूँ। इसके पहले जो है मैं शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। उसके बाद जब यह प्रोजेक्ट आया तो उसमें CPC का जो गठन हुआ तो उसका मुझे अध्यक्ष बनाया गया। इसमें बच्चों के भागीदारी, बच्चों के विकास के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई। तो उसके बाद हमने देखा कि जब से ये बाल पंचायत का गठन हुआ है तब से बच्चों में जो है कुछ ज़्यादा विकास देखने को नज़र आया है। काहे कि वो बोलते हर प्रक्रिया में, हर चीज़ में जो है वो अब भाग लेने लगे हैं। देखिए, बच्चों की समाज में भागीदारी अहम भूमिका रहती है और ज़रूरी भी है बच्चों को।
जो समाज में भागीदारी के लिए बच्चे को किस तरह से मतलब मोबिलाइज किया जाए और उस तरह से बच्चे को जो अधिकार मिलना चाहिए, जो समाज में एक पंचायत स्तर से लेकर के जिला स्तर के ये लोग किस तरह से जनप्रतिनिधि लोग, चाहे वो ग्राम स्तर के जनप्रतिनिधि हो या विधानसभा स्तर के जनप्रतिनिधि हो या जिला लेवल के जनप्रतिनिधि हो, किस तरह से अपने कार्य को मॉनिटरिंग करते हैं। अगर वो बच्चों में ये भी आ जाए कि बच्चे हमारे भी जो ये बाल अधिकार जो ये कार्यक्रम हो रहा है और इस तरह से बच्चे में भी एक मैसेज जाता है कि जो जनप्रतिनिधि कर रहे हैं सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम भी उस तरह के बच्चे में टैलेंट हो और हम लोग भी उस तरह से उस ढंग के कार्य को करें। इसमें जो सबसे बढ़िया बात हुआ वो ये है कि ग्राम स्तर पे ग्राम सभा में बच्चे जाने लगे हैं, मुखिया के साथ हर महीने मीटिंग करने लगे हैं। पंचायत स्तर में ये फायदा हुआ है कि बच्चे स्कूल कमेटी, स्कूल सेवा कमेटी या आंगनवाड़ी की जो कमेटी होती है उसके साथ बैठने लगे, वीडियो के साथ बैठने लगे और अपने गांव की समस्याओं को रखने लगे हैं। और ब्लॉक लेवल में दो प्रोग्रेस हुआ जो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। दोनों तीनों ब्लॉक के बच्चे अपने अपने वीडियो और डीएम और मुखिया के साथ बैठना शुरू किए हैं, अपनी समस्याओं को रखना शुरू किए हैं। और जब दो तीनों ब्लॉक के बच्चे मिलते हैं तो डीएम के साथ सामने तीनों ब्लॉक का प्रॉब्लम और सॉल्यूशन रखते हैं और उनसे चर्चा करते हैं। उस छात्रवृत्ति के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो सिर्फ महादलित के लिए आया है कि हम लोगों के लिए भी आया है। तब जा करके हम टीचर से बात करेंगे कि सर अगर हम लोगों के लिए भी आया है तो हम लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि पैसा जो है वो सिर्फ महादलित को ही दिया जाता है, ऐसा पहले होता था लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब जनरल सबको मिलता है पैसा। पहले तो लड़का सबको नहीं मिलता था, अब तो लड़का सबको भी मिलता है, लेकिन पोशाक राशि दिया है लेकिन छात्रवृत्ति नहीं दिया है। गाँव में किसी को रुपया मिला है किसी को नहीं मिला है, इसलिए हम कुछ कहना ऐसा इसलिए हुआ कि मतलब जो स्कूल गया 75% उसको ही मिल सकता है, क्या कि इसलिए कि मतलब उसे सरकार जो रुपया दिया जाता है ताकि विद्यार्थी आए स्कूल पढ़ने के लिए। हम किसान विकास ट्रस्ट को जानते हैं और जो चाइल्ड पर जितना इन लोगों ने जो प्रचार प्रसार किया है कि बच्चों को किस तरह से प्रमोट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, जिस तरह से हम देखते हैं पंचायत में इनका प्रोग्राम चलते रहता है, जिला लेवल पर भी प्रोग्राम चलता है और इनका जो भागीदारी रहता है बच्चों के प्रति, चाइल्ड के प्रति बहुत अच्छे सराहनीय है। मैं इनको धन्यवाद देती हूँ कि आप इसी तरह से बच्चों को प्रमोट करें कि आगे बढ़े। खगड़िया जो है बिहार के, जैसे कि पूरे इंडिया में बीमारू स्टेट्स में बिहार आता है, तो खगड़िया जो है वो बिहार का बीमारू डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पे इस तरह का जब आपको आउटपुट मिले तो लगता है कि हाँ ग्रास रूट लेवल पे कुछ काम हुआ। और दो तीन चीज़ें और हैं कि जैसे एक इनका सेमिनार हुआ था वो चाइल्ड लेबर को ही लेकर के था, उसमें यहाँ की लोकल MLA है पूनम देवी यादव, वो भी थी, मैं भी था। उसमें बच्चों ने कुछ बड़े पैनिक सवाल पूछे थे, वो सवाल अपने आप में इतने पैनिक थे कि उनका जवाब कोई नहीं दे पा रहा था। जवाब देने का काम तो मोस्टली जो है मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन का है, चाहे जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं MP हों MLA हों उनका है। उनके सवाल थे कि आंगनबाड़ी समय पे क्यों नहीं खुलता है। अब जो इसकी मंत्री हैं यहाँ की वो भी इसका जवाब नहीं दे सकती हैं। तो जिस प्रोजेक्ट में हजारों करोड़ रुपया लगा हो और वो काम आपके बच्चे के दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है, दैट मीन्स कि आने वाला फ्यूचर उस बच्चे का बहुत सेफ है। पोशाक का राशि हमको मिल गया है लेकिन छात्रवृत्ति का राशि हमको नहीं मिलने की संभावना है। सर लोग कह रहे हैं कि सिर्फ हरिजन लोग के विद्यार्थी को ही मिलेगा, ऐसा क्यों, हम लोगों को क्यों नहीं मिलेगा। खास करके खगड़िया जिला में बहुत से विभिन्न सोसाइटी है, उसमें सर्वोपरि हमारे किसान विकास ट्रस्ट सेव द चिल्ड्रन खगड़िया जिला में एक धरातल पर काम कर रही है।